अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने Redmi Note 5 Pro में कैसे MIUI 10 की बीटा रोम को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बीटा टेस्टर की अकाउंट नहीं है फिर भी आप उस बीटा रोम को फ्लैश कर सकते हैं। आपको बस रिक्वायर्ड यह है कि आपके पास Redmi Note 5 Pro होना चाहिए और इसका बूट लोडर जो है वो अनलॉक होना चाहिए और इसमें आपको TWRP रिकवरी फ्लैश होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उसके बाद आप आसानी से इसे फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, फ्लैश करने से पहले आपको यह रोम को जो है यहाँ पर जो आप ये रोम देख रहे हैं इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये रोम डाउनलोड कर लेंगे जो कि एक लीक रोम है क्योंकि ये लीक हो चुकी है, तो उसके बाद दोस्तों अगर आप ये रोम को फ्लैश कर लेंगे TWRP रिकवरी से तो उसके बाद आपका जो रोम है वो बिल्कुल MIUI 10 बन जाएगा। तो सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करूंगा, उसके बाद TWRP रिकवरी फ्लैश करूंगा और उसके बाद जाकर के मैं तीसरे स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे MIUI 10 को फ्लैश करना है। बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो भाई मुझे सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद अबाउट फोन में जाना होगा और अबाउट फोन में जाने के बाद MIUI वर्जन पे लगातार 5 बार टैप करना होगा। लगातार 5 बार टैप करने के बाद ये लिख देगा कि आप डेवलपर बन चुके हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे बैक जाना है। बैक जाने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, उसका सबसे नीचे जाना है डेवलपर ऑप्शंस में और यहाँ पे हमें मिल जाता है कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे OEM अनलॉकिंग को मैं इनेबल कर दूंगा। मेरा फोन का पासवर्ड जो भी मांगेगा वो मैं दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा तो मैं इनेबल पे टैप कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि OEM अनलॉकिंग इनेबल हो गई। अब हमें दोस्तों यहाँ पे चेक करना है MIUI अनलॉक स्टेटस में जाना है। अब MIUI अनलॉक स्टेटस में देखेंगे कि ये जो फोन है ये लॉक्ड है, सिक्योर्ड है, तो हमें यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे करना है। ध्यान रहे आपका डिवाइस इंटरनेट से या वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए और आपके डिवाइस में MIUI का अकाउंट डाला हुआ होना चाहिए। उसके बाद बस मैं ऐड अकाउंट पे टैप करूंगा, प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट लिखेगा और उसके बाद कुछ और लिख देगा या फिर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया एडेड सक्सेसफुली MIUI अकाउंट, एक बार लिख दिया। उसके बाद आप बैक जाइए दोस्तों और यहाँ पे USB डिबगिंग को ऑन कर लीजिए। USB डिबगिंग को ऑन करने के लिए बस यहाँ पे कीजिए। अब ध्यान रहे दोस्तों, इसके आगे जो हम लोग चीज़ें करने वाले हैं वो दोस्तों बिल्कुल ही आपके फाइल को, डेटा को करप्ट कर सकता है, तो इसलिए आप अपने डेटा को बैकअप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं इस Redmi Note 5 Pro का बूट लोडर को अनलॉक। तो भाई बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो परमिशन होना चाहिए और उसके बाद ही आप अनलॉक कर पाएंगे। अगर आपने परमिशन नहीं लिया है तो आप en.miui.com/unlock पे जा करके परमिशन ले सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। अगर आपको इन डेप्थ में जानना है कि कैसे अनलॉक करना है तो मैं एक लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो देख लीजिएगा, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अनलॉकिंग के ऊपर ही है। उसके बाद दोस्तों परमिशन लेने के बाद मेरे अकाउंट में परमिशन मिल चुकी है, मुझे बस इस डिवाइस को अपने PC से कनेक्ट करना है और अपने PC में यह सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है MIUI फ्लैश अनलॉक। तो इसकी भी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है दोस्तों वो कनेक्ट हो चुका है मेरे PC से और यहाँ पे मेरा जो MIUI फ्लैश अनलॉक है वो खुल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एग्री करूंगा। एग्री करने के बाद ये मेरा ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, तो मुझे वही ईमेल और पासवर्ड देना है जिसमें मुझे अनलॉक करने की परमिशन मिली है। देख सकते हैं वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे मुझे अपना कोड को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसे खोल पाएंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो आया था मेरे स्मार्टफोन पे वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मुझे बस सबमिट पे टैप करना है। सबमिट पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो MIUI अनलॉक टूल है या फिर MIUI फ्लैश अनलॉक है वो ओपन हो जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ये टूल काम कर रहा है। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आपके MIUI अकाउंट में परमिशन है या नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो भाई आपको परमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप परमिशन ले लो। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है नॉट कनेक्टेड टू द फोन। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बूट लोडर मोड में बूट करना है। यानी कि बूट लोडर मोड में कैसे बूट करना है, तो हमें वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रहना है और पावर बटन को दबाए रहना है काफ़ी देर तक। तो उसके बाद हमारा जो फ़ोन है बूट लोडर मोड यानी कि फास्ट बूट मोड में रीबूट कर जाएगा। तो जैसे ही MIUI बनेगा आ जाए, बस आपको यहाँ पे उंगली को छोड़ देना है। ये देख सकते हैं बूट लोडर मोड में आ गई। अब यहाँ पे लिख देगा कि आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो गया है और उसके बाद बस हमें यहाँ पे अनलॉक पे टैप कर देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा। अब दोस्तों देखिए ये नया चीज़ निकला है, अगर आप अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो आपका यूज़र डेटा यानी कि आपका सारा का सारा इंटरनल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा, आपका रोम क्लियर हो जाएगा। तो फिर से आपको अनलॉक पे टैप करना है और उसके बाद सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड का वेट टाइम भी देगा। तो भाई वेट करने के बाद फिर से यहाँ पे अनलॉक नाउ करिए, अनलॉक एनीवे कीजिए और उसके बाद अनलॉक हो जाएगा। और तो यहाँ पर अनलॉक सक्सेसफुली हो चुका है और ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है यहाँ पे रीबूट हो चुका है। तो इसका मतलब मेरा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो गया है। लेकिन रीबूट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अनलॉक लिख भी दिया, मतलब कि फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो अनलॉक हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलॉक होने के बाद इंक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। कुछ देर लगेगा इंक्रिप्ट होने में क्योंकि एंड्रॉयड ओरियो है, तो भाई ओरियो को इंक्रिप्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे इंक्रिप्शन जो है शुरू होने के बाद आपका जो है पूरा हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे MIUI 10 में रिबूट हो गई और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है क्लियर हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट हो चुका है। अब जल्दी से इसे हम लोग सेटअप कर लेंगे और सेटअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे जो कि है TWRP को कैसे फ्लैश करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो फोन है वो रिबूट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसमें TWRP रिकवरी फ्लैश करना है।
है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे TDP रिकवरी फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के इंटरनल मेमोरी में लेजी फ्लैशर को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे MIUI का जो रोम है, जो कि दोस्तों लीक्ड रोम है, जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी कॉपी कर लीजिए इंटरनल स्टोरेज में। तो ये दोनों फाइल को आप बिल्कुल ही कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ये जो TDP रिकवरी दोस्तों, इसे आपको डाउनलोड कर लेना और PC में रख लेना है, और आपके PC में मिनिमल 8B फास्टबूट ड्राइवर जो इंस्टॉल होनी चाहिए, तो इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जो ये YRED है, यानी कि दोस्तों ये कोड नेम है हमारे Redmi Note 5 Pro का, तो इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और यह एक TDP रिकवरी है दोस्तों हमारे Redmi Note 5 Pro के लिए, और इसे कॉपी करके हम लोग रखेंगे मिनिमल 8B एंड फास्ट बूट ड्राइवर के फोल्डर में। तो वो फोल्डर हमें कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों वो हमें मिलेगा सी ड्राइव में। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे सी ड्राइव में, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मिनिमल 8B एंड फास्ट बूट। तो अगर आपने इसे इंस्टॉल किया होगा तो आपको ज़रूर ये फोल्डर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे TDP को पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे TDP को पेस्ट किया हुआ हूँ, जैसे कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए, जैसे कि Redmi Ultra, Redmi Y1 के लिए, रिकवरी के लिए, Note 4, तो यहाँ पे YRED नाम से है। तो अब हमें इसे फ्लैश करना है अपने Redmi Note 5 Pro में। तो कैसे फ्लैश करेंगे, तो अगर आपने अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लिया है लीक रोम को और लेजी फ्लैशर को, तो उसके बाद हमें फास्ट बूट मोड में रीबूट करना है। तो फिर से हम लोग वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड किए रहेंगे और कुछ देर के बाद ये फास्ट बूट मोड में चली जाएगी। फास्ट बूट मोड में जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, तो वही हमें मिनिमल 8B एंड फास्ट बूट रोम वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रिकवरी को रखा हुआ है, तो हमें इसे फ्लैश करना है। इसे फ्लैश करने के लिए हम लोग ये वाली फोल्डर को खोलेंगे जिसका नाम है maf32.exe। इस फाइल को खोलने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे। कमांड क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों कमांड फास्ट बूट। अब बस इतना लिख करके इंटर करना है और उसके बाद बोलेगा कि आपका जो रिकवरी है वो फ्लैश हो चुका है। अब जैसे ही ये बोलते दोस्तों आपको वापस से डिवाइस की ओर आना है और इस बार आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबाए रहना है। फास्ट बूट मोड में तो वॉल्यूम डाउन से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकवरी मोड में जाने के लिए वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को ऐसे कुछ दबाए रहना है। पे आया, बस आप छोड़ दीजिए वॉल्यूम बटन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट जो है खुल गई। अब खुलने के बाद आपको तुरंत ही एक दो काम कर लेना है, जैसे कि सबसे पहले तो लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लेना है, एक स्वाइप का बटन आएगा उसे भी स्वाइप कर देना है। तो ये वाला आया दोस्तों स्वाइप का बटन, जो कि अलाउ मॉडिफिकेशन का, इसे स्वाइप कर दीजिए और उसके बाद इंस्टॉल में जा करके यहाँ पे सबसे नीचे लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर दीजिए। ये लेजी फ्लैशर फ्लैश करने से आपका जो फ़ोन है वो अच्छे से बूट हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लेजी फ्लैशर है वो फ्लैश हो गई है। तो एक बार रिबूट करके देख लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो रिबूट तो हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन बिल्कुल ही अच्छे से रिबूट हो गया और रिबूट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम लोग फ्लैश करते हैं MIUI 10 को रिकवरी से। तो हम लोग बूट करेंगे रिकवरी में। अब रिकवरी में बूट करने का एक और तरीका आप सिस्टम अपडेटर में जा करके कर सकते हैं। तो यहाँ 3 डॉट बटन पर टैप करना है, उसके बाद रिबूट टू रिकवरी मोड पर टैप करना है, उसके बाद रिबूट नाउ पर टैप करना है। अब दोस्तों जैसे ही ये रिकवरी खुल गई, सबसे पहले तो आप वाइप कर लीजिए। वाइप करने के लिए आप ऐसे कीजिए और आपका जो फैक्ट्री रीसेट है वो हो जाएगा। उसके बाद आप होम बटन दबाए, उसके बाद इंस्टॉल पे जाइए। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिल जाएगा चाइना रोम, जो कि लीक रोम है 31 मई 2018 का, और बस इसे आप ऐसे करके फ्लैश कर लीजिए टैप करके। उसके बाद हमारा जो MIUI 10 है वो फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद हमें एक बार रिबूट कर लेना है। अब दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपका ये रोम रिबूट नहीं हो पाता है तो फिर से आप TDP में रिबूट करके आसानी से लेजी फ्लैशर को फ्लैश कर लीजिए और फिर से रिबूट कीजिए। आपका जो फ़ोन है वो रिबूट हो जाएगा और आपका जो रोम है वो खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है फ्लैश हो चुकी है। अब उसके बाद हमें बस रिबूट सिस्टम कर देना है, और अगर ये पूछेगा कि आपको TDP को इंस्टॉल करना है तो डू नॉट इंस्टॉल पे टैप कर देना है, और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा और MIUI 10 खुल जाएगा। तो लगभग 3-4 मिनट तक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे MIUI 10 जो है फ्लैश हो चुका है, लेकिन MIUI 10 फ्लैश होते ही मेरा ID और पासवर्ड मांग रहा है डिवाइस का, तो मुझे एक्टिवेट डिवाइस पे टैप करके मुझे अपना पासवर्ड देना होगा। तो भाई सिक्योरिटी तो काफ़ी हाई हो गई है, पहले से भी ज़्यादा हाई हो गई है। पहले नेक्स्ट करने के बाद ये मांगता था, अब नेक्स्ट करने से पहले ही मांग देता है कि नहीं भाई आपका अकाउंट बिल्कुल एडिट है, हमें पासवर्ड चाहिए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं MIUI 10 को सेटअप और उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा लुक MIUI 10 का। सारा सेटअप दोस्तों MIUI 9 की तरह ही है, बस यहाँ पे थीम में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बाकी हर चीज़ दोस्तों MIUI 9 की तरह ही है। और शुरू में ये पूछ रहा है कि आपको फुल स्क्रीन जेस्चर चाहिए, आपको बटन्स चाहिए, तो फुल स्क्रीन जेस्चर पे कर देंगे। सेटअप तो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन फिनिश करने से पहले यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं एप्पल आईफोन का कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी दोस्तों नीचे में। Xiaomi वाले कितना कॉपी करोगे भाई,
अब दोस्तों यहाँ पे एम आई वाई 10 तो हो चुकी है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की यूआई है। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन बार दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। और यही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको सेटिंग में ले जाऊँ तो देख सकते हैं कुछ अलग अलग आपको जो है चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि एम आई का AI आपको नज़र आ जाएगा, एम आई वाई लैब नज़र आ जाएगा, क्योंकि ये चाइना रोम है। तो चलिए हम लोग अबाउट फंक्शन में देख लेते हैं, माई डिवाइस में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ एम आई वाई का वर्जन है 8.5.31 यानी कि MIUI 10 है और ये 31 मई 2018 का रोम है। इंटरनल स्टोरेज है 64 GB Redmi Note 5 Pro, ऑल स्पेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 मई का, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड्रॉयड वर्जन है 8.1 Oreo और ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। MIUI 10 के ऊपर तो मैं आप लोगों को एक अलग ही वीडियो बना करके दूंगा, लेकिन आज मुझे आप लोगों को बताना था कि कैसे आपको इसे फ्लैश करना है। और फ्लैश तो हो गई है, अब आप बताओ आगे आप क्या क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो MIUI 10 के ऊपर। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। और भाई काफ़ी फास्ट हो गया ये देखो, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट हो गया, सही में नियर ज़ीरो ऐप लॉन्चिंग स्पीड। फिर से कुछ दिन के बाद अपडेट के बाद ये लोग स्लो कर ही देंगे जहाँ तक मुझे लगता है।